नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक कुशवाहा जी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन के माध्यम से कर्फ्यू ई पास आप बना सकते हैं। ई पास के माध्यम से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई वर्क अटका पड़ा है, रुका हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, तो आप ई पास सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस सर्विस को लॉन्च कर दिया है। आप ई पास के माध्यम से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी आप बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें आप कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कंडीशन में कुछ कुछ ऐसे वर्क हैं जिसके लिए आप बाहर निकल सकते हैं और अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ये प्रोसेस मैं सभी स्टेट के लिए बता रहा हूँ। इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप ऑनलाइन के माध्यम से ई पास बनवा सकते हैं और इस कर्फ्यू के पीरियड में भी आप बाहर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किस सर्विस के लिए आप बाहर जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाई गई है। इस कैटेगरी के बेस पे कर्फ्यू ई पास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने वर्क के लिए अथॉरिटी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल का यूज़ करने वाला हूँ। मोबाइल में आप ओपन करेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर। आपको ऐप का यूज नहीं करना है। आप ऐप में जाएंगे प्ले स्टोर में, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको फर्जी ऐप मिल जाएंगे और आप परेशान रहेंगे, एक दो घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। गूगल आप ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर में, आप अपने फ़ोन के थ्रू इस प्रोसेस को अप्लाई करें, ये काफ़ी बेस्ट है, या फिर लैपटॉप के थ्रू। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको ब्राउजर यूज़ करना है, आपको किसी ऐप को यूज़ नहीं करना है। ऐप में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आप गूगल में सर्च करेंगे, जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ई पास यूके। तो यहाँ पे सबसे टॉप वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। यहाँ पे ई पास लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है। देन यहाँ पे कैटेगरी दी गई है कि किस कैटेगरी के लिए आपको पास बनवाना है। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एसेंशियल सर्विस पास लिखा हुआ है एंड यहाँ पे इमरजेंसी सर्विस पास लिखा हुआ है। तो आपको एसेंशियल में जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी सब कैटेगरी यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे एटीएम, बैंकिंग और डिलीवरी वर्कर। ऑफेंस, अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, आपके पास सीएससी सेंटर है, आप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जनसेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप परमिशन ले सकते हैं। विदाउट परमिशन आप किसी भी वर्क को नहीं कर सकते। बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया गया है इंडिया को 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद क्या अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। अगर आपके पास कोई दुकान है, राशन की दुकान है या फिर सब्जी की दुकान है, तो भी आप इसके लिए परमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क है तो कोई ले सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, एंड अदर का ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिया गया है। अदर का ऑप्शन यहाँ पे चूज करके आप एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि मुझे ये वर्क करना है। ठीक है, किसी भी वर्क के लिए आप यहाँ से अथॉरिटी ले सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको पूरा देना है। आईडी टाइप में आपको यहाँ पे आपको आधार कार्ड या फिर किसी अलग टाइप की आईडी कार्ड है तो आप दे सकते हैं। मैं आपको आधार देने के लिए सजेस्ट करूंगा। देन यहाँ पे आपको अपना आईडी नंबर यानी आधार नंबर देना है और यहाँ पे आपको अपना एक फोटो देना है। फोटो देने के बाद आईडी प्रूफ का यानी जो भी आप आईडी कार्ड देते हैं उसका एक फोटो आपको अपलोड करना है। देन यहाँ पे अपना एड्रेस देना है मैप में, जैसे यहाँ पे कालिदास रोड गंगा घर, तो इसी बेस पे आपको भी इससे मिलता जुलता आपको अपने एड्रेस में यहाँ पे मैप में डाल देना है जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अथोराइजेशन लेटर ETC, यहाँ पे जहाँ पे आप काम करते हैं आपको वहाँ डेली जाना पड़ता है, तो वहाँ से आपको एक अथॉरिटी लेनी पड़ेगी तब आप वहाँ पे डेली जा सकते हैं। अदरवाइज आप इस लॉकडाउन पीरियड में वहाँ पे आप जा नहीं सकते। आपको अपने वर्क को स्टॉप करना पड़ेगा। उनसे आप एक लेटर लेंगे और उस लेटर को यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पे आपको व्हीकल चूज करना है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर। देन यहाँ पे आपको अपना गाड़ी नंबर और डेट, किस डेट से किस डेट तक आपको ये परमिशन चाहिए, ये यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे रीजन आपको देना है, ये क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको डेली जाना पड़ रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बैक चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये सर्विस सारे स्टेट के लिए अलाउ कर दी गई है। आप ई पास बनवा सकते हैं और अपने वर्क को कम्प्लीट करा सकते हैं। बाहर निकलने के लिए आपको ये अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको इस लॉकडाउन का पालन करना होगा। आपको घर में ही रहना है, घर से बाहर आपको जाना नहीं है। सोशल डिस्टेंस आपको बना के रखना है, घर से बाहर आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। और फ्रेंड्स, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के लिए भी सेम प्रोसेस है। ई पास लिखेंगे और यहाँ पे यूपी लिखेंगे
तो आपके पास इस तरीके से लिंक जो आपको दिख रही है, आप पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और प्रोसेस सेम है। यहाँ पे आएंगे, आपको इस तरीके से दिखेगा, देन यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई ई पास पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर अपना देना है और सबमिट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, फिर सारा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उसको फिल करके सबमिट कर देना है। देन यहाँ पे चलिए मैं बिहार स्टेट के लिए, यहाँ पे बहुत सारी क्वेरी आती है बिहार स्टेट के लिए, क्योंकि बिहार स्टेट में ऑनलाइन का जो प्रोसेस होता है वो सबसे हटके होता है, अलग ही होता है। यहाँ पे देखिए, मैं अगर टाइप करता हूँ बिहार और सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये पहली वाली जो वेबसाइट ओपन होगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पब्लिक सर्विस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट में पब्लिक सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग व्हीकल ई पास फॉर एसेंशियल सर्विस, देन यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और ये देखिए नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करेगा आपको। देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जब इसे स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दें, यहाँ पे COVID-19, यहाँ पे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अगर आप स्मार्टफोन के माध्यम से आवेदन देना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करें और लिंक को ब्राउजर में कॉपी करके पेस्ट करें, ठीक है। यानी आपको ब्राउजर का यूज़ करना है। यहाँ पे तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि किसी ऐप का यूज़ नहीं करना है, ब्राउजर का यूज़ करना है। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइज ये प्रोसेस था, इसके माध्यम से अगर आपके पास किसी भी टाइप्स का दुकान, जैसे कि राशन कार्ड की या फिर सब्जी की दुकान है, जो फूड से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड वाली जो दुकानें हैं, ई पास बना सकते हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड में कर सकते हैं। गाइस ये प्रोसेस हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता जिसको इमरजेंसी केस है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको जिसके थ्रू आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो आप उस नुकसान से बचने के लिए ई सर्विस का यानी ई पास का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ई पास के लिए किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के वेबसाइट पर टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप उन पर फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।